केटीएम के पास अनल इंजीनियरिंग कॉलेज में हवलदारों की भर्ती 3 दिन तक चली। भर्ती प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता के साथ कराई गई। हर जगह कैमरे की निगरानी में टेस्ट लिया गया। इसके साथ ही आला अधिकारी भी मौजूद रहे। पुलिस और चिकित्सकों का सहारा भी लिया गया। कर्मचारी आयोग की भर्ती के तहत जो हवलदारों की हो रही है, वहाँ पर किस तरह की प्रक्रिया चली, ये हम आपको दिखाते हैं। ये गर्ल्स हैं, यहाँ पर इनका टेस्ट होगा। आपको बता दें, यहाँ देखिए पुलिसकर्मी भी यहाँ मौजूद हैं सुरक्षा के लिहाज से, और इनका चेस्ट नंबर मिला हुआ है। ये अंदर एंटर करेंगे, उसके बाद एंटर करने के बाद हम आपको यहाँ की चीज़ें दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर व्यवस्थाएँ लागू की गई हैं। ये सभी अधिकारी बैठे हुए हैं यहाँ पर, जो उनका फिजिकल टेस्ट लेंगे। यहाँ पर उनकी लंबाई नापी जाएगी, और इसके साथ साथ लंबाई के अलावा आपको बता दें कि उनका वेट कैटेगरी भी, वजन भी नापा जाएगा उनका। इस मीटर आप लगा हुआ देख रहे हैं यहाँ पर, किस तरह से कितनी सेंटीमीटर, कितने मीटर की लंबाई है किसकी, जो मानक माना गया है। और इसके अलावा यहाँ पर फिर अपना वो चेस्ट नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ दिखाएंगे, तो उसके बाद इनको यहाँ पर आने का मौका मिलेगा। ये वेट कैटेगरी के लिए है, जिस पे वज़न का यानी कि नापा जाएगा, और इससे पता चलेगा कितना वेट इनका है। और ये काफ़ी सुरक्षा की दृष्टि से आप देख रहे हैं, बिल्कुल पारदर्शिता बरती जा रही है। इधर भी अधिकारियों की सीट लगी हुई है, यहाँ भी लोग बैठते हैं, और यहाँ शारीरिक माप काउंटर है, जैसे कि नंबर 2 PST काउंटर है, ये नंबर 2, और ये शारीरिक माप काउंटर नंबर 2, और 1 का थोड़ा सा आपको दिखाते हैं कि क्या इकदार है इसमें। ये भी नंबर 2 PST काउंटर नंबर 2 है ये। तो ये इस तरह से यहाँ पर तमाम चीज़ें की व्यवस्था की गई है। ये आप देख रहे हैं बोर्ड लगा हुआ, कर्मचारी चयन आयोग हवलदारों की भर्ती प्रक्रिया PST और PET जो 28 से लेकर के 28/11/2022 यानी कि 30 तक ये चली है और ये संपन्न हुई है। यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया में सुरक्षा की अगर हम बात करते हैं, तो किसी भी पारदर्शिता को लाने के लिए कैमरे की व्यवस्था की गई है। आप ये कैमरे देख सकते हैं यहाँ पर, जहाँ भी टेस्ट हो रहा है बच्चों का, वहाँ हर जगह कैमरे का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ भी कैमरे लगाए गए हैं, और इस कक्ष का नाम जो दिया गया है आपको भी दिखाते हैं, शारीरिक मानक परीक्षण कक्ष यानी कि PST रूम है ये। ये प्रक्रिया संपन्न हुई है, 3 दिन तक ये चली है, और पूरी पारदर्शिता इस पूरी प्रक्रिया के दौरान बरती गई है। सरकार की तरफ से आयोजित इस भर्ती में कम से कम जो है सैकड़ों बच्चे सेलेक्ट होंगे, जिन्होंने अपना फिजिकल टेस्ट दिया है, अपना मापदंड दिया है, उनको चयन किया जाएगा, लेकिन अभी रिजल्ट आना उनका बाकी रहेगा। कैमरा पर्सन राहुल साथ विनोद जूनियर, सी न्यूज आगरा।